शांतनगर विश्वविद्यालय किसानों एवं कृषि के संपूर्ण विकास हेतु अभी तक विभिन्न फसलों की 250 से अधिक प्रजातियों को विकसित कर चुका है, जिसे किसान भाई अपने खेतों में प्रयोग कर लाभान्वित हो रहे हैं। शोध के इसी क्रम में पंतनगर विश्वविद्यालय के बीज उत्पादन केंद्र पर लोबिया की नई प्रजातियों का प्रदर्शन लगाया गया था। इन प्रजातियों का किसान भाई अपने खेतों में प्रयोग कर कम लागत में और कम समय में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी देते हुए विभाग अध्यक्ष सब्जी विज्ञान विभाग डॉक्टर वाई वी सिंह ने कहा, अभी तक जो हमारी हरित क्रांति आई उसमें गेहूं और धान ये हमारा मुख्य फसल चक्र है। तो लगातार इस फसल चक्र में किसान खूब खाद डालते हैं, जो रासायनिक खाद हैं उनका भी प्रयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेते हैं। तो इससे हमारी भूमि भी जो है उसकी उर्वरता कम होती जा रही है। और एक तरफ हम देखें कि जो हमारी दलहनी फसलें हैं, दलहन का उत्पादन पूरे देश में कम होता जा रहा है, उसमें लोबिया एक ऐसी फसल है जिसको हम ठीक से उगा सकते हैं। तो इस समय जो बरसात का मौसम है, जो खरीफ का सीजन है, इसमें हमारे किसान भाई अभी भी इसकी बुवाई कर सकते हैं, जुलाई पूरा बुवाई कर सकते हैं, अगस्त पूरा बुवाई कर सकते हैं। और जो हमने यहाँ देखा है पंतनगर की सिचुएशन में, इसमें अगर सितंबर के पहले सप्ताह में भी हम बुवाई करते हैं तो नवंबर में हमारी ये फसल पक के तैयार हो जाती है। तो बुवाई के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें, उसमें थोड़ा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, 20 से 25 किलो नाइट्रोजन, 40 से 50 किलो फास्फोरस और उतना ही पोटास, ये सब ले लें। और एक टन कम से कम, बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, एक टन गोबर की खाद सड़ी हुई या वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये बुवाई से पहले खेत में मिला लें, खेत की जुताई करके समतल कर लें। और उसके बाद ये दो तीन वैरायटी हैं हमारी जो सीख तैयार होती हैं, लोबिया वन मैंने बताया, लोबिया एक ये सफ़ेद दाने वाली है जो 65 दिन में पक के तैयार होती है और इसकी पैदावार 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पाई गई है। इसके अलावा इसमें चारे की भी 15-16 क्विंटल की पैदावार हो जाती है या इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है, तो चारा भी मिल जाता है और ज़मीन में ये नत्रजन भी छोड़ते हैं। और इसके अलावा इसमें 27% प्रोटीन होता है, तो उससे जो दाना मिलता है और जब हम खाते हैं उसको तो हमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। और इसके अलावा दूसरी जो मैंने किस्म बताई पंत लोबिया दो, ये लाल दाने वाली है, इसमें प्रोटीन बहुत अधिक पाया जाता है, 30% प्रोटीन इसमें है। तो इसको किसान भाई उगाएं, थोड़ा देर से तैयार होती है, इसमें 70 दिन लगते हैं, 5 दिन ज़्यादा लगता है, लेकिन पैदावार बहुत अच्छी है इसकी भी और इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा, जैसे कि मैंने बताया पैदावार भी इसकी करीब 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की हो जाती है और चारा भी भरपूर इसमें मिलता है, तो इसको किसान भाई ले सकते हैं। पंत लोबिया तीन एक और वैरायटी है जो भूरे दाने वाली है, इसमें 27% प्रोटीन है, पैदावार 20 क्विंटल लगभग हो जाती है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी किसान भाई ले सकते हैं। हमने किसान भाइयों के यहाँ इन तीनों किस्मों को उगाया है और वहाँ पर भी हमें 12 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार किसानों के खेत में मिली है। तो हमारा जो बीज उत्पादन केंद्र है यहाँ पे इन किस्मों के बीज उपलब्ध हैं, किसान भाई यहाँ से ले सकते हैं। और जो किसान भाई थोड़ा टेस्ट करना चाहते हैं या प्रदर्शन लेना चाहते हैं, डेमोंस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, उनका बीज हम फ्री में, मुफ्त में किसान भाइयों को करीब 200 स्क्वायर मीटर के लिए, 200 वर्ग गज ज़मीन के लिए देते हैं, वो हमसे संपर्क करें। जो भाई हमारे ज़्यादा लेना चाहते हैं, एक हेक्टेयर या एक एकड़, वो यहाँ से बीज ले सकते हैं, पंत लोबिया एक दो और तीन, इन तीनों किस्मों का बीज हमारे पास उपलब्ध है। सीडल से बुवाई करेंगे या हल्के पीछे बुवाई करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1.5 फीट हो जाए, क्योंकि पौधे बढ़वार अच्छी करते हैं और उसके लिए थोड़ा सही दूरी रखना अनिवार्य है। और बीज भी इस तरह से गिरना चाहिए कि पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर लगभग 1.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर यानी कि 4-5 इंच इतना रहना चाहिए। इतनी दूरी पर बुवाई करें और बुवाई करने के बाद जब पौधे ठीक से उगाएं तो खरपतवार का नियंत्रण करना पड़ता है। उसके लिए किसान भाई चाहें तो जो हमारे रसायन हैं खरपतवार नाशी रसायन, जैसे पेंडीमिथेलिन है, बुवाई के तुरंत बाद लगभग 2 लीटर स्टाम के नाम से आता है ये बाज़ार में या और भी किसी नाम से मिल सकता है, पेंडीमिथेलिन जो क्रियाशील पदार्थ है उसका 1 लीटर क्रियाशील पदार्थ 300 से 400 लीटर पानी में घोल लें और उसका छिड़काव कर दें बुवाई के बाद, तो इससे 20-25 दिन तक खरपतवार खेत में नहीं आएंगे। उसके बाद एक बार निराई खुरपी से या फावड़े से गुड़ाई किसान भाई कर देते हैं तो हमारा जो खेत है वो उसमें घास वगैरह नहीं आएगी,
खरपतवार नहीं आएंगे, पौधे हमारे स्वस्थ होंगे। तो ये काम कर लें किसान भाई। बीमारी इसमें जैसे कि मैंने बताया कोई नहीं आती है इन किस्मों में, सिर्फ कीड़े की समस्या थोड़ी बहुत होगी। इस समय खरीफ के सीजन में आपका फली भेदक कीट आता है, तो फली भेदक कीट के लिए कीटनाशी जो हमारे अनुमोदित हैं उनका प्रयोग करें किसान भाई, जैसे क्लोर पारीफास है या और कोई ले लें। इसका 2 से 2.5 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें और छिड़काव कर दें। 2 छिड़काव की आवश्यकता कम से कम होगी, और अगर कीड़ा ज़्यादा है तो 3 भी छिड़काव करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर समय से किसान भाई देख लें, जब भी कीड़े का प्रकोप हो तुरंत ही दवाई का छिड़काव कर देंगे तो 2 छिड़काव पर्याप्त रहते हैं। इस तरह से अगर हमारे किसान भाई खरीफ के मौसम में बुवाई करेंगे, जुलाई अगस्त में या सितंबर के पहले सप्ताह तक इसकी बुवाई कर देंगे, तो आपके अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के पहले पखवाड़े में ये फसल पक्के तैयार हो जाती है।